एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इतिहास के पन्ने, प्राचीन भारत के इतिहास को खोजते हुए आज हम आपको लाए हैं वाराणसी के सारनाथ में। ये आप देख रहे हैं, ये टूटे फूटे जो प्लंथ हैं, नींव हैं, यहाँ कभी बौद्ध विहार हुआ करते थे, मठ कह सकते हैं, बौद्ध मठ यहाँ हुआ करते थे। यही वो स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपने सबसे पहला प्रवचन दिया था, चार उनके पुराने साथी थे जो साधना काल में उनके साथ रहे और फिर उनसे अलग हो गए थे। बुद्ध ने ज्ञान और शांति की बहुत खोज की, जैनी मुनियों से भी वो मिले, उनसे दीक्षा भी ग्रहण की, पर उनकी संतुष्टि नहीं हुई। आलार कलाम एक सिद्ध पुरुष थे, उनसे भी उन्होंने दीक्षा ली, पर उनको शांति नहीं हुई। कपिलवस्तु के ही एक कौंडिल्य ऋषि हुआ करते थे, वे भी उनके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक रहे, लेकिन उनसे भी उनको शांति नहीं हुई। अंत में बुद्ध ने स्वयं ही साधना करने का संकल्प लिया, स्वतंत्र रूप से उन्होंने साधना की और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, निरंजना नदी के तट पर। 6 महीनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। 6 महीने बाद पूर्णिमा की रात्रि में उनको आत्मबोध प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं पर सुजाता नाम की एक कन्या थी, उसने खीर का कटोरा लाके उनको दिया। देखा शायद ये वृक्ष देवता हैं, पूर्णिमा में वो पीपल की पूजा करने आती थी, तो उस दिन देखा एक कंकाल जैसा आदमी बैठा है साधना में, सोचा ये देवता प्रकट हो गए। तो सुजाता ने उनको खीर अर्पित की, बुद्ध ने खीर खाई। उस समय तक वो सिद्धार्थ थे, ज्ञान होने के बाद, बोध होने के बाद वो बुद्ध हुए। वहाँ से फिर वो चले धर्म का प्रचार करने के लिए और यहाँ आए सारनाथ। यहाँ कौंडिल्य ऋषि भी और एक उपल नाम का भिक्षु हुआ करता था, उसने विवाह कर लिया था और जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो उसकी पत्नी उसे उलाहना देती, पुत्र को सुलाते हुए कहती, अरे उत्पल के पुत्र चुप हो जा, अरे पाखंडी के पुत्र चुप हो जा, अरे भगोड़े के पुत्र, ढोंगी के पुत्र चुप हो जा, जो धर्म से भ्रष्ट हो गया है ऐसे के पुत्र चुप हो जा। ये सब बातें सुन के उपल को बड़ा बुरा लगता और वो फिर से शांति की खोज में निकल पड़ा और यहाँ पर इसी स्थान पर आकर बुद्ध से वो मिला। देखा बुद्ध के मुख पर ज्ञान का अपूर्व तेज है। उन चारों की पहली धारणा ये थी कि ये स्त्रियों के हाथ का भोजन करता है, सुजाता के हाथ से खीर खाई है, ये भ्रष्ट हो गया है, शायद सुजाता इस बुद्ध की भैरवी है, तंत्र में भैरवी तंत्र होता है,
तो उनके अलग अलग विचार हो गए, लेकिन जब बुद्ध ने यहाँ उनको आत्मज्ञान का साक्षात्कार कराया तो वे चारों भिक्षु उनके प्रथम चार शिष्य हुए और चारों दिशाओं में वे निकल पड़े। ये आप देख रहे हैं बौद्ध विहार में ये मूलगंध कुटी, यानी ये बुद्ध का साधना स्थल हुआ करता था। इधर उधर उनके शिष्य रहते थे। ये बौद्ध स्तूप आप देख रहे हैं सामने, वो ही ये चिन्ह है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो 7-8 राजा अपने अपने क्षेत्रों में, देशों में बुद्ध की अस्थियों को थोड़ा थोड़ा उनका हिस्सा ले गए थे, और जगह जगह किसी ने कपिल वस्तु में, किसी ने श्रावस्ती में, और किसी ने यहाँ ये बुद्ध स्तूप बनवा दिया। वही आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे इतिहास के पन्ने, जिनका पता हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को होना चाहिए। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।